कंप्यूटर्स इंटेलेक्चुअल हब में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पहलगाम के मजाफात में वाका बेताब और आरओ आदियां दो मुनफरिद मुकामात है। आज हम आपको इन दोनों मुकामात की सैर पे लेंगे। वादिये बेताब पहलगाम से चंद किलोमीटर के फासले पे चंदनवारी और पहलगाम के बीचों बीच वाका है। ये वादी पहलगाम की सबसे पुरकश और दिलफरेब जगह मानी जाती है। वादिये बेताब घने जंगला और पहाड़ों के दामन में वाका है। वादिये बेताब पहलगाम से चंदनवारी जाती हुई सड़क के बाई तरफ दरियाए लेदर की एक शाख के किनारे पे वाका है। दोस्तों, ये वादी एक जन्नत का टुकड़ा जो पहलगाम की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। वादी में दाखिल होते ही आपको एक पारक दरियाए लेदर की ये शाख जिसका पानी आब हयात और साफ शफा और उसके बाद एक खूबसूरत और वसी मैदान नजर आता है। दोस्तों, ये पानी यहाँ इसके इर्द गिर्द जंगलात और ये मैदान मुकामी रियासती मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए सबसे अहम मरकज माना जाता है। इस वादी में हर वक्त सयाहों की एक बारी भी नजर आती है। दोस्तों, वादिये बेताब के बाद हम आपको एक और वादी की सैर पे लेंगे। ये वादी आरो वादी के नाम से मशहूर है। आरो दरअसल पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पे दरियाए लेदर की एक और शाख के किनारे होती हुई एक वादी की तरफ हमें लेता है। आरू दरअसल एक गांव का नाम है। उस गांव के अतराफो सकनात में वाकई सारी वादी को आरू वैली के नाम से जाना जाता है।
आरो वैली को वैली ऑफ स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये वादी हर तरफ से जंगलात, पहाड़ और दरियाए लेदर की एक और शाख की खूबसूरती से भरपूर दोस्तों, आरू वादी दरअसल एक बेस कैंप है और इस वादी से कुछ और ट्रैकिंग और पिकनिक स्पॉट्स पाए जाते हैं, जैसे कोलाई ग्लेशियर, तारसर लेक, मानसर लेक। यहाँ से साया घोड़ों की मदद से इन बहुत से ट्रैकिंग स्पॉट्स का रुख लेते हैं। आरू वैली के इर्द गिर्द वाका बहुत से सयाहती ट्रैकिंग और ऐसे जगह भी मौजूद है जिनके मुतल्लिक अभी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। इन ट्रैकिंग स्पॉट्स के मुतल्लिक यहाँ के मुकामी टूरिस्ट गाइड्स बहुत ही दिलचस्प और कुछ अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन बताते हुए। ऐसे ही एक टूरिस्ट गाइड ने हमें इन मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स के मुतल्लिक कुछ जानकारी बताई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये तो किसी जगह की है, थाना आड़ूवी से पहलगाम पर 2-3 किलोमीटर दूर। यह चेक नाम यह है वैली ग्लेशियर रॉयल वैली, रॉयल वैली सह कोल मंदस सह लेदर वैली पे।